खबर करेली से। स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव प्लाग रन पर ब्रांड एम्बेसडर राज्यसभा सांसद ने सड़क से उठाया कचरा। मुख्य नपा अधिकारी स्नेहा मिश्रा ने सड़क से किया कचरा एकत्रित। स्कूली छात्रों ने सड़कों से किया कचरा एकत्रित। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इंदौर में राज्य स्तरीय प्रेरणा कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारी की जा रही। दिनांक 25 दिसंबर 2021 को नगर परिषद करेली भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता रैली को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने झंडी दिखाकर निरंजन चौक से रवाना किया। मेन रोड के रास्ते पर पड़े कचरे को ब्रांड एम्बेसडर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्नेहा मिश्रा और छात्र छात्राओं ने एकत्रित किया। मध्य प्रदेश जीतेगा मध्य प्रदेश प्लाग रन स्वच्छता श्रमदान में नगर पालिका के कर्मचारी और अन्य जन भी सम्मिलित हुए। करेली नगर पालिका द्वारा और हम सब नागरिकों की ओर से स्वच्छ करेली इसके अभियान की आज शुरुआत हुई है। हम सब एक दिन के लिए नहीं, कोई उत्सव त्यौहार के लिए नहीं, हम अपने जीवन में इसको अंगीकार करें कि हमारी ज़िंदगी की दूसरी जो अनिवार्यताएं हैं भोजन की, पानी की, हवा की, उसी तरह से हम स्वच्छता को अपने जीवन में अंगीकार करें। हमारे आसपास जहां भी कोई कचरा डालता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो टोकने का काम कर सकते हैं। नगर पालिका ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। 100-150 गज पे हमारे गीले कचड़े के लिए, सूखे कचड़े के लिए हमारे डिब्बे लगाए गए हैं। सवेरे हमारे करेली शहर में नगर पालिका की तरफ से विसिल बजाई जाती है, रिकॉर्डिंग होती है कि कचरा हमें दें। तो सब घर वाले लोगों से भी आपके माध्यम से जितने भी हमारे बासिंदे हैं, भाई बहन, नौजवान मित्र, विद्यार्थियों से सबसे एक अपील है कि हम सब एक संकल्प लें, हमारे मन में बाकी के कामों के साथ साथ ये बात भी हमारे दिल दिमाग में तारी रहे कि हम अपने शहर को इंदौर से अच्छा स्वच्छ बनाएंगे। आज के अवसर पे आप सभी ये कार्यक्रम नगर पालिका करेली ने किया है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को इसमें शामिल करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने। बच्चे जब स्वच्छता के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से उनके पेरेंट्स भी, उनके पालक भी, उनके बड़े बूढ़े भी उनसे प्रेरणा ले सकेंगे और अपने करेली को, वैसे तो करेली पहले से काफ़ी साफ़ है लेकिन इसको और भविष्य में बहुत अच्छा और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रखेंगे, देश में अपने शहर का नाम हो, अपने जीवन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा हो, यही इसका उद्देश्य है। मैं सोचता हूँ कि कार्यक्रम पूरी तरह से इसमें सफल रहे। खबर भारतवर्ष के लिए करेली नरसिंहपुर से अमित वर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।